ओम ह्रीं ऋषि रुवाच देवासुरं भूदुद्धं पूर्णमबद्ध शतम् पुरा महिषे सुराणां धीपे देवानां च पुरंदरे तत्रा सुरैर महादेवी यर देव सैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अम्भूनम् ही शासुरः ततः पराजिता देवा पद्मायोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गता सत्र यत्रे शगरुण ध्वजौ यथावृत्तम् तयोस्थ द्वनम् महिषासुर चेष्टितम् त्रिदशः कथयामा सुर देवाभी भव विस्तरम् सूरेन्द्रा गयोनिलेन्दुनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् सा स्वयमेव धितिष्ठति स्वर्गा निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्तया महिषेण दुरात्मना एते द्वः कथितं सर्वमम रारिविचिष्टितम् शरणं वह प्रपन्नः स्मो वधतस्य विचिन्तयताम् इत्थं निशमय देवानां वंचासी मधुसूदनः चकार कोपं शंभुश्च भ्रुकुटी कुटिलाननौ ततो अतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनाततः निष्क्राम महतेजौ ब्रह्माणः शंकरस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं समूह तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तिमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्त्रत्र ज्वाला व्यापत दिगंतरं अतुलं तत्र ततेजः सर्वदेव शरीरं जम् एकस्थं तद्भुनारी व्यापद लोकत्रयं त्विषा यद् भूच्छ्वा भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यामयेन चाभवन् केशा बहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युगं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जंगोरु नितंब स्ते जसा भुवः ब्रह्माणस्ते जसा पादौ तंगुलयो कर तेजसा वसुनाम च करांगुलयः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः संभूताः प्रजापत्येन तेजसा नयन्त्रियत्यं जग्ये तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च संधयोस्तेजः श्रवणा वनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशि सम्बुधवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरुमरा महिषार्दितः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकृक चक्रं च दत्वान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुताशिनः मारुतो दत्वाश्चापं बाणपूरे तथे शुद्धि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद मराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामैरावदात् गजात् कालदंडा दुमो दंडम पाशम चाम्बुपतिदर दौ प्रजापतिश चाक्षमालाम ददौ ब्रह्मा कमंडलम समस्त रोम कुपेशु निजर शमीन दिवाकरह कालश दत्वान खड़ग तस्याश चर्म च निर्मलम शीरोदश्चामलम हारमजरे च तथांबरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुंडले कटिकानि च अर्धचंद्रं तथा शुभ्रं केयुरान् सर्व बाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद
ग्रैव्य कमनुत्तमम् अंगुलियत कर्ता नानी समस्तास्व गुलिशुच विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुम चाति निर्मलम् अस्त्रायण करुपानि तथा भेद्यम च दर्शनम् अमलाम नपुंजाम मालाम शिरसयुरसी चापराम अद्दज लधित सस्तस्य पंकजम चाति शोभनम् हिमवान वाहनम सिंघम रत्नानि विविधानि च ददावशून्यम सूर्यपान पात्रम धनाधिपः शिष्य सर्वना केशो महामणि विभूषिताम नागहारम ददौ तस्य धत्ते यः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरै देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोचयः साट्टहासं मुर्मुरुः तस्य नादेन घोरेण कृतं स्नाप्मा पुरतं नभः अमाय तातिमहत प्रतिशब्दो महान् भूत चुक्षुभु सकलालोकः समुद्राश चकंपरे चचाल वसुधा चेलुः सकालश महीधरः जयति देवाश मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्ट वुर्मनयश्च चैनां भक्तिनम्रा तुममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्ये मम रारयः सन्नधाखिल सैनायस्ते समतस्थुर्द्रुदायुध आह किमेतदति क्रोधादभाष्ये महिषासुरः अभ्यधावतं शब्दमशे शैरसुरवृत्तः सदर्दश ततो देवीं व्यापद लोकत्रयां द्विषा पादाक्रांतया नतभुवं किरीटोली लिखतांबरां शोभिताशे पातालां धनुर्युजानी स्वनेमतां दिशो भुजसहस्रेण समनाताद व्याप्य संसतां ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देवया सुरदिशां शस्त्रास्त्रे बहुधा मुक्तैरादिपितदिगंतरं महिषासुरसेनानी निश्चेशुराख्यो महासुरः युद्धे चामरशायनेश्च तुरुं बलवान्वितः रथानां युतयः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुद्धयतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसलोमा महासुरः अयुतानां शतयः षड्भिर्बाष्कलौ युयुद्धे रणे गजवाजिः सहस्रो घैर्नेकयः परिवारितः व्रतो रथानां कोटया च युद्धे तस्मिन् युद्धयत बिडालख्यो अयुतानां च पञ्चाक्षधभिरिथायुतयः युयुद्धे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागः यैर्वृत्ताः युयुद्धुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटि कोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च व्रतो युद्धे तत्र भूनमिः शासुरः तोमरेरुर्भिन्दिपालिष्ये शक्तिभिर्मुस्लेस्थतः युयुद्धुः संयुगो देव्या खड्गैः परशुपाटिशयः केचित् च चिक्षिषुः शक्तिः केचित् पार्श्वां स्थापरे देवीं खड्गप्रहारैरस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी तत्स्थाने शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छदेद् निजशस्त्रास्त्रवर्षिणि अनायस्ता नना देवी स्तूयमाना सुर ऋभिषिभिः मुमोचार सुर देहेषु शस्त्राणि स्त्राणि चेश्वरी सो अपि क्रोधो थुट्सटो देव्या वाहन केसरी चचार सुर सैन्येषु वनीशेष्व हुताशनः निहिशवा सान मुमचे याशन युद्धमाना रणे अंबिके
त एव सद्यः संभूता गणः शत्रु सहस्रशः युयुधस्ते परशुभिर्भिः अंधिपालस्य पष्टिशय्यः नाश्यन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपब्रहिताः अवादयन्त पटहान् गणः शङ्खांस्तथापरे मृदांगश्च तथैवानि तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड़गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पात्यामाश्चैव नयान् घंटा स्वयं विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बध्वा चान्यान् करिष्यत् केचिद्विधा कृतास्तिक्षणैः खड्गपातैस्तथापरे विपोथितः निपातेन गद्या भुवि शेरते विमुष केचिद्रुधिरं मूसलेन भृशं हताः केचिनि पतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरो घेणकृतः केचिद्राणजिरे शयेनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्चुष्टदर्शादनः किञ्चिञ्चिद् बहावशिच्छन्नश्रीच्छन्नग्रीवास्तथापरे शिरसिं पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारितः विच्छिञ्जङ्गास्तु विपरे पेतुरुभयां महासुराः एक बाहिशी चरणः केचिच्छेव्या द्विधा कृतः छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिता पुनर्तिथः कम्बन्धा युयुधिर्देवया गृहित परमायुधः निनृत्युश्च चापरे तत्र युद्धे तुरल्याश्रितः कम्बन्धाशी छिन्नशिरसः खड्गशक्रष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरः पतितैरथनागाश्वेर सुरेश वसुन्धरा आगमया सा भवत्र यत्र भूतस्य महारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणुसुरवाजिनां क्षणे तन्महासैन्यामसुराणां तथा अम्बिका निन्ने शयं यथा वहिनस्त्र दारु महाचयं स च सिंहौ महाना दमुतसृज जंतुतकेसरः शरीरेभ्यो मारराणीडामसुनिव विचिन्वति देवया गणेश तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरयः यथेषां तुतुषुर देवः पुष्पवृष्टिमुचो देवी ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सार्वणिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः ओम नमः चंडिकाय। द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। हम कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करते हैं, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है
अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुँह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणि शिव विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। शिव विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकश प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया।
एक करोड़ रथियों को साथ लेकर महाअनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। मिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पार्श्वे के तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ अस्त्रों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा अस्त्रों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण अस्त्रों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाश से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाढ़ समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बीजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहाँ जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षणभर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। बोलो जगदम्बे मैया की जय। दोस्तों, आज महिषासुर का तांडव इस अध्याय में आपने देखा। महिषासुर या जितने भी राक्षस हैं, वो जितने भी असुर हैं, वो कहानियों में, कथाओं में भयंकर दिखाए गए हैं। बड़ा शरीर, बड़ी शक्ति, देवताओं को हराते हुए। जितने भी राक्षस हैं वो क्या हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। दोस्तों, वो राक्षस और कोई नहीं, हमारे अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो है।
वो राक्षस कोई नहीं, जब किसी जीव में राक्षसी प्रवृत्ति भावनाएं जाग जाती हैं वो जीव राक्षस हो जाता है। देवी माँ क्या है? माँ वो सात्विक शक्ति है जिसमें सभी देवताओं के गुण हैं, सभी परमात्मा के, सभी भगवान शंकर, भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा जी, आदिदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सबके गुण हैं। तो इस कहानी को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो दो पात्र हमारे मुख्य हैं, एक माता और एक राक्षस महिषासुर। देखो इससे दो बात तो समझ में आती हैं कि अगर आपको, आप माता की भक्ति करते हैं तो आप भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता सभी की स्वाभाविक रूप से भक्ति कर लेते हैं, क्योंकि वो सभी के शरीर से सभी की शक्ति से बनी हुई शक्ति है, या दूसरे रूप में कहो सारे लोग उन्हीं की शक्ति से बने हैं, सारे देवता उनसे बने हैं, सारे महादेव उनसे बने हैं, वो है आदि महाशक्ति माता, अगर माता के रूप में पूज रहे तो। और अगर आप पिता के रूप में पूजते तो आदि देव भगवान परमपिता परमेश्वर है वो, ये आद्या महाशक्ति। तो माँ से ही सब कुछ पैदा होता है, इसलिए हम उन्हें माँ के रूप में पूजते हैं। ममता होती है माँ शब्द में, भक्ति में एक अलग ही बात आती है। माँ ये सिखाती है कि आप जब भी किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं, जब भी किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं, टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत से राक्षस आते हैं, आपको उनको मारना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत कष्ट आते हैं। एक छोटे सा अगर आप कहीं देखिएगा, कुछ भी उद्देश्य लीजिए कि मुझे ये बनना है या मैं जीवन में ये मुझे उद्देश्य प्राप्त करना है, तो आपको कष्ट आने शुरू हो, सब वो आपकी रास्ते की बाधाएं जो है राक्षस है, आपको उन्हें पार करना है। महिषासुर, अब आप कहेंगे कि महिषासुर क्या हुआ, महिषासुर किस रूप में आता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में प्रथम अध्याय में बताया था, क्या बताया था कि जो दो राक्षस थे मधु और कैटभ, वो और कुछ नहीं, वो हमारा अपनी जो हम बढ़ाई सुनते हैं, अपने बारे में बहुत अच्छी चाटुकारिता की बातें सुनते हैं, और हम फूल जाते हैं और हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, उद्देश्य से हट जाते हैं, वो गुण मधु, वो राक्षस उन भावनाओं के रूप में मधु काम करता है। और कैटभ, जब आपके विरुद्ध कोई आपको सच्चाई का आईना दिखाए या आपको कुछ कड़वा बोले तो आप उसके विरुद्ध हो जाते हैं, ये कैटभ रूपी राक्षस काम करता है। तो अब आप कहेंगे कि महिषासुर कौन है? तो महिषासुर ऐसी प्रवृत्ति है, ये राक्षस किस प्रवृत्ति के रूप में आप में काम करता है, वो प्रवृत्ति है आपका, जब आपने देखे होंगे कई लोग सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, किसी का कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ होना चाहिए, सब चीज़ मेरी होनी चाहिए, और जो उनको सपोर्ट करने वाले सहायक है, जो चमचे हैं, वो उसके साथ ही राक्षस होते हैं। तो महिषासुर ऐसी भावना है जब किसी व्यक्ति के अंदर घुसती है, महिषासुर राक्षस जब किसी व्यक्ति के अंदर जाता है तो उसे केवल यही लगता है कि ये पृथ्वी की एक एक चीज़ मेरी है, मेरी, मेरे आदेश की गुलाम है, मेरे इशारे पर चलनी चाहिए, और वो सारे यूनिवर्स को अपना इस तरह से कहना चाहता है कि उसके इशारे पे चले, वो दूसरा गॉड बनना चाहता है। वो जो ये प्रवृत्ति किसी में आ जाती है वो महिषासुर प्रवृत्ति होती है। उस महिषासुर प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए हमें जो दैवीय शक्ति है, जिन लोगों पर वो राज्य करना चाहता है, जिन लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, उन सबको एकत्रित होना चाहिए। जब तक वो शक्तियाँ, वो लोग एकत्रित नहीं होंगे, वो उस शक्ति को, उस व्यक्ति को वो मजा चखा नहीं पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपके गांव में एक बंदा है या आपके शहर में एक बंदा है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो धीरे 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 आप पर अपना हुकुम चलाने लगता है, धीरे धीरे अपना डंडा गर्म कर लेता है, गुंडागर्दी बदमाशी येन केन प्राकेण से आपका किंग बन गया, और अब वो अत्याचार करने लगा और आपको वो बातें अच्छी भी नहीं लगती तब भी माननी पड़ती है। तो उस गुंडे बदमाश नेता मालिक सेठ साहूकार जो भी व्यक्ति है
उसको हटाने के लिए केवल एक ही शक्ति काम करेगी, होगा प्रजा की शक्ति। प्रजा को क्या करना पड़ेगा, जैसे सभी देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए तो सभी को मिलना पड़ेगा, और मिलके ही उस गुंडे बदमाश जो आप पर अपनी शक्ति से अपनी ताकत की वजह से आपसे जो है आपसे सब उल्टे सीधे काम कराता, आप पर दबाव बना के रखता है, आप नमस्कार ही मात्र उसके डर के मारे करते हैं, तो बिना एकता के आप उसे समाप्त नहीं कर सकते। और जब तक आप सब एक नहीं होंगे, जैसे माँ शक्ति को बनाने के लिए सारे देवी देवताओं ने शक्ति मिला दी, जब तक वो सब एक नहीं होंगे आप अपने एरिए के उस आतंक को समाप्त नहीं कर सकते। तो आपके क्षेत्र में कोई भी महिषासुर है जिसकी आपको खराब से खराब चीज, गलत चीज, सही चीज सब कुछ आपको माननी पड़ रही है, तो आप समझिएगा जब तक सारी प्रजा एक नहीं हो जाएगी तब तक आप उस महिषासुर को नहीं हरा पाएंगे। अध्याय 2 का उद्देश्य यही है।